हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ दिस डैट दी डोज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो देख लेते हैं दिस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। जिसका मतलब होता है यह, जिसका मतलब होता है यह। तो जिसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, यूज। पास की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। पास की वस्तु हो इंगित या इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो समझ में आएगा। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जैसे वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरे पिताजी हैं। देख लेते हैं क्या बनेगा। वह मेरे पिताजी हैं, इंगित इशारा हो रहा है कि वह कह रहे हैं कि वह मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पे क्या देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं यह मेरे पिताजी यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिस है। तो यहाँ पे यह कर दीजिए, यह मेरे पिताजी हैं। मतलब क्या, यह मेरे पिताजी हैं, इशारा हो रहा है इसीलिए यह मेरे पिताजी हैं। मतलब दिस 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 इज, दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर, ये बन गया। देखिए समझ में आया दोस्तों। चलो अगला देख लेते हैं। यह मेरा घर है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम कि यह मेरा घर है। यहाँ पे ले लेते हैं कि यह मेरा घर है। मतलब क्या, दिस इज माई होम। अपने घर के लिए होम का प्रयोग करते हैं। अगर किसी किराए का घर है तो हाउस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे यह मेरा घर है तो दिस इज माई होम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, यह लैपटॉप मेरा है। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं यह लैपटॉप, यह लैपटॉप मेरा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई लैपटॉप हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों देख लेते हैं क्या कि डेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। डेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, डेट का प्रयोग देख लेते हैं। पास की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। पास की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए, पास की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और डेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दूर की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे बदल दीजिए, बस दूर की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए, दूर की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा। वह मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, वह मेरे पिताजी हैं। तो क्या यहाँ पे बन गया जाएगा, दैट इज माई फादर। अगला देख लेते हैं, वह मेरा कमरा है। यहाँ पे जैसे लिख देते हैं वह मेरा कमरा है, वह मेरा कमरा है। मतलब क्या, दैट इज माई रूम। अब देख लेते हैं, जैसे अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है बीच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। बीच का प्रयोग देख लेते हैं बहुवचनकर्ता, क्या बहुवचनकर्ता के रूप में पास की वस्तु को इंगित इशारा करने के लिए। बहुवचनकर्ता हो और पास की वस्तु को बहुवचनकर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में पास की वस्तु को लिखते रहिए। दोस्तों ये सब लिखिए, कॉपी कलम निकालिए। पास की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए, पास की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पास की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं जिसका प्रयोग, ये मेरी किताबें हैं। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला दिया हुआ है दो चार लोग कहाँ पर रहते हैं, बहुजन करता हो बहुजन कर्ता के रूप में
दूर की वस्तु को इंगित या इशारा, दूर की वस्तु को इंगित या इशारा करने के लिए जो है दो से प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो कारें मेरी हैं, वो कारें मेरी हैं, वो कारें